नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोई भी क्लाइंट या कोई भी आपसे पूछ दे कि किसी भी ग्रेड के कंक्रीट में आप सीमेंट, बालू, गिट्टी या पानी की मात्रा कैसे निकाल सकते हैं, क्या आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो यही तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ सब्सक्राइब लिख रहा है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा आपको बेल का आइकन बनेगा और उसको दबाने के बाद सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पॉइंट होने वाला है कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर ऑफ ऑल ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मतलब किसी भी ग्रेड का कंक्रीट हो उसका सीमेंट, बालू, गिट्टी या पानी उसमें कितना लगेगा, इसका मात्रा हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे सीमेंट का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ सीमेंट बटा में सम ऑफ रेशियो। ये मेरा होता है आपका वेट वॉल्यूम के लिए, लेकिन हम लोग निकालते हैं इसको ड्राई वॉल्यूम में, तो हम आपको ड्राई वॉल्यूम में ही निकाल के दिखाएंगे, लेकिन ये वेट वॉल्यूम का फॉर्मूला है। सेकंड नंबर है सैंड, रेशियो ऑफ सैंड बटा में सम ऑफ रेशियो। अगला है एग्रीगेट का, मतलब गिट्टी का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे रेशियो ऑफ एग्रीगेट बटा में सम ऑफ रेशियो। वाटर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सीमेंट बैग, मतलब जितना भी मेरा बैग आएगा सीमेंट का जितना भी बैग आएगा उससे 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक बैग जो होता है 50 kg का, उसमें 25 लीटर पानी आता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम आप लोग को दिखाते हैं M20 ग्रेड का कंक्रीट, क्योंकि ज़्यादातर साइट पर आपको कंस्ट्रक्शन में ये मिलेगा या इंटरव्यू में ज़्यादा लोग इसी को रेफर करते हैं। तो M20 ग्रेड जो है उसका रेशियो होता है 1:1.5:3, मतलब एक सीमेंट, 1.5 सैंड, मतलब 1.5 बालू, और 3 मेरा जो होता है एग्रीगेट मतलब गिट्टी होता है। चलिए देखते हैं 4 सीमेंट क्वांटिटी। अब देखिए सीमेंट का हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं, तो हाँ हम बताए थे रेशियो ऑफ सीमेंट, तो देखिए यहाँ रेशियो ऑफ सीमेंट बटा में सम ऑफ रेशियो। ये जो हम निकालेंगे ये ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो मेरा ड्राई वॉल्यूम होता है वो वेट वॉल्यूम के 1.5 गुना होता है। मतलब अगर आपका वेट वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम जो है वेट वॉल्यूम पानी के साथ में होता है, तो जो वेट वॉल्यूम है वो अगर 1 है तो जो मेरा ड्राई वॉल्यूम होगा बिना पानी के वो होगा 1.54। इसी के लिए हम यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जब भी कोई किसी भी मटेरियल को खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो हम सूखा ही खरीदेंगे, जैसे सीमेंट है, सैंड है या एग्रीगेट है, जो भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो ऑफ सीमेंट। देखिए सीमेंट का रेशियो यहाँ पर 1 है, तो 1 लिख दिए। सम ऑफ रेशियो मतलब सबको जोड़ देना है, 1 + 1.5 + 3 सीमेंट का रेशियो हो गया, सैंड का हो गया और एग्रीगेट का हो गया, इनटू 1.54। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 0.28 MQ। अब देखिए यहाँ पर आपको बात ये फंसता है, सीमेंट तो आपका MQ में आ गया, लेकिन हमें खरीदना है किस चीज़ में, बैग में खरीदना है, मतलब 50 kg का बैग होता है, तो MQ को हम क्या करेंगे KG में चेंज करेंगे, तो उसके बाद अपने आप हम लोग बैग में कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए KG में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 28 को देखिए 1 MQ में होता है 1440 kg, तो 1 MQ में इसको याद रखिएगा, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट आपसे पूछ सकता है। तो देखिए नाउ इन KG, अब KG में देखते हैं, तो मेरा MQ आया है 0.28 × 1440, ये मेरा KG का हो गया, MQ 1 MQ का है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 403.2 kg, मतलब 403.2 kg, मतलब अब देखिए 403 kg आ गया। अब इसको हम लोग बैग में चेंज करेंगे, तो बैग में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक बैग सीमेंट में होता है आपको 50 kg, तो 403/50 कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 8 point something आएगा, लेकिन हम राउंड फिगर यहाँ लेके चल रहे हैं, 8 bag of cement। अब दोस्तों आपको बताते हैं अगला सैंड के बारे में। अब देखिए
यहाँ सैंड के बारे में आपको बताते हैं। अब जो मेरा ये सैंड है, देखिए सैंड, नाउ फॉर सैंड, सैंड के लिए क्या करेंगे, रेशियो ऑफ सैंड, बटा में सम ऑफ रेशियो इंटू 1.54। देखिए रेशियो ऑफ सैंड मेरा कितना था, यहाँ दिखाते हैं, रेशियो आपका था 1.5, माने बालू का रेशियो 1.5 था, तो रेशियो ऑफ सैंड 1.5 कर दिए बटा में सम ऑफ रेशियो, तो वहीं 1 + 1.5 + 3 जो पूरा मेरा रेशियो है इंटू 1.54। इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्राई वॉल्यूम में ही, इसलिए 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा आपको यहीं यूज करना है कहीं भी, इसमें 1.54 ज़रूर लगाना है अगर कोई आपसे ड्राई वॉल्यूम पूछता है तो, वेट वॉल्यूम पूछेगा तो 1.54 नहीं लगाना है। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.42 m³, ये मेरा सैंड हो गया, सैंड मतलब बालू, बालू का मेरा वॉल्यूम आ गया 0.42 m³। देखिए हम जानते हैं, आपको पीछे भी बताए थे, 1 m³ में 35.314 CFT होता है, तो अब CFT में ही हमको सैंड का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग परचेजिंग या डीलिंग जो हो डील होता है उसको CFT में ही हम लोग सैंड क्या करते हैं, इसलिए इसको CFT में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 m³ बराबर इतना होता है, तो मेरे पास इसका कितना आया 0.42, तो 0.42 इंटू 35.314 करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 14.83, मतलब 14.83 CFT, ये मेरा आ गया सैंड का वॉल्यूम बालू का। अब निकालते हैं हम लोग आगे, पहले आपको हम बता देते हैं एग्रीगेट का, तब बताएंगे आपको हम लोग वाटर का। अब देखिए यहाँ पर एग्रीगेट का देखते हैं, एग्रीगेट का वही फॉर्मूला होता है, रेशियो ऑफ एग्रीगेट बटा में सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई 1.54, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे ड्राई वॉल्यूम में ही। अब देखिए रेशियो ऑफ एग्रीगेट कितना मेरे को था, मेरे को यहाँ पर था रेशियो ऑफ एग्रीगेट 3 था, 3 को यहाँ लिख दिए, 3 को लिख दिए, अब क्या करेंगे, 3 बटा में 1 + 1.5 + 3 मल्टीप्लाई 1.54, इसको अब कैलकुलेशन करेंगे आए तो आएगा 0.839 m³। अब देखिए एक इसको, ये तो मेरा m³ आ गया, लेकिन एग्रीगेट को भी हम लोग परचेजिंग या डील करते हैं आपको सेफ्टी में ही, तो सेफ्टी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 m³ में होता है 35.314 CFT, तो मेरा कितना आया है 0.839 m³ आया है ना एग्रीगेट का, तो अब इसको देखिए हम लोग सेफ्टी में चेंज कर रहे हैं, तो सेफ्टी में चेंज करने के लिए करेंगे 0.839 × 35.314 m³ के यहाँ लिख दिए, और 1 m³ को वैल्यू यह होता है तो इतना लिख दिए, ये मेरा आ गया 29.63 CFT, ये मेरा आ गया एग्रीगेट। इसको ज़रूर याद रखिएगा, 1 m³ = 35.314 CFT होता है, ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है। अब आगे देखते हैं वाटर का। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर, माने वाटर का मात्रा कितना लगेगा, मेरा मान लेते हैं m² आपको बता रहे हैं, तो इसमें जितना भी सीमेंट सैंड एग्रीगेट आएगा उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि वाटर का मात्रा मेरा कितना आएगा इसमें, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है बैग ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई 25, मतलब एक बैग सीमेंट में आपको 25 लीटर पानी आता है, तो वहाँ पर देखिए मेरा आया है 8 बैग, यहाँ पर आया 8 बैग, 8 × 25, ये मेरा आ जाएगा टोटल 200 लीटर, मतलब 8 बैग सीमेंट में मेरा 25 लीटर पानी आएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपको बता दूँ कि इस बात को आप ज़रूर याद, ये भी याद रखिएगा, कोई आपको पूछ सकता है, इंटरव्यूअर या कोई भी आपसे पूछ सकता है कि एक बैग जो मेरा सीमेंट होता है उसमें कितना लीटर पानी आएगा, उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाता है, वो मेरा हो जाएगा 25। इसी तरह हम किसी भी रेशियो का इसी फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ इसका मैं एक प्रिपेयर चार्ट आप लोग को दे दूंगा, हो सके तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, और आपको अपना जो चैनल है उसके आप इनबॉक्स में भी जाके देख सकते हैं, उसमें भी सारे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, देखिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, इससे बहुत फ़ायदा होगा, आप मेरे आने वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा।
मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में, अगले वीडियो में नई एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।